हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसके वीडियोस मैं अभी बना रहा हूं, तो इसमें आज का वीडियो जो है बहुत ही खास है। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा आपको पढ़ना है, पूरा अंत तक देखना है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो है, मैंने एक पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है? अब पीरियोडिक टेबल में जो, जैसे हमने मेंडल्स पीरियोडिक टेबल में देखा था, वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज। ये खड़े जो स्तंभ है इसे वर्टिकल कॉलम्स, और आड़े जो रोज है दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। अब देखिए यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं। अब देखिए पहला पीरियड जो है वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स है हॉरिजॉन्टल, यानी कि आड़े जो है। पहला पीरियड जो है हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, और हीलियम जो है इसमें दूसरा एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे, सेकंड पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, थर्ड पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम, फोर्थ पीरियड जो है पोटेशियम से स्टार्ट होता है, फिफ्थ पीरियड रूबिडियम से स्टार्ट होता है, सिक्स पीरियड केसियम से स्टार्ट होता है, और लास्ट पीरियड जो है सेवन फ्रांसियम से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से इसमें कितने पीरियड्स है, सेवन पीरियड्स है, यानी कि सेवन हॉरिजॉन्टल रोज है। अब वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं बच्चों? वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम जो है इसे हम कहते हैं ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 से लेके देयर अबाउट टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स जो है वो 18 है, और पीरियड्स जो है वो 7 पीरियड्स है। आ गया समझ में? अब देखिए फर्स्ट पीरियड, पीरियड्स को हम देखेंगे। फर्स्ट पीरियड जो है इसमें दो ही एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड पीरियड जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है, और नियॉन जो है इसका आखिरी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट्स 8 है। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है, देयरफॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड। पहला पीरियड जो है इसे शॉर्टेस्ट कहते हैं क्योंकि दो ही एलिमेंट्स है, सेकंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है इसे लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें जो है 18 एलिमेंट्स है। अब देखिए फोर्थ पीरियड जो है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है, आखिरी जो है क्रिप्टॉन है, तो इसमें 18 एलिमेंट्स है। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स है, तो इन्हें लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। तो सिक्स्थ पीरियड जो है इसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, दे कंटेन्स 32 एलिमेंट्स इन इट। पहले जो था वो सेवन्थ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा गया, कहते थे, क्योंकि इसमें कुछ जगह जो थी वो वैकेंट थी, किसके लिए, कि जिस एलिमेंट्स को डिस्कवरी होनी बाकी थी। अभी पूरे एलिमेंट जो इसकी डिस्कवरी हुई है, टोटल 118 एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में है। तो सिक्स और सेवन पीरियड जो है लॉन्गेस्ट पीरियड है, जिसमें 32 एलिमेंट्स है। आ गया समझ में बच्चों? अब देखिए फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट शॉर्टेस्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें 18 एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिवली, दे आर द लॉन्ग पीरियड, और सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड जो है हर इसमें 32 एलिमेंट्स है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट पीरियड। आ गया समझ में? अब देखिए बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ऑन लेफ्ट, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है इसमें जो है एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, सेकंड ग्रुप जो है वो बेरिलियम से स्टार्ट होता है। आ गया समझ में? अब यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल के बेस में भी दो जो है हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे दिख रहे, दीज आर कॉल्ड एज सीरीज। फर्स्ट जो है यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रही, दीज इज कॉल्ड एज लैंथेनाइट सीरीज, एंड बिलो इट इट इज कॉल्ड एज एक्टिनाइट सीरीज। द टू सीरीज आर केप्ट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड दे आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं? अब देखिए पहली जो सीरीज है
ये लैंथेनम से स्टार्ट होती है। तो इसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखिए, इस लैंथेनाइट सीरीज जो है ये पूरे एलिमेंट जो है लैंथेनम की पोजीशन है पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3, ये थर्ड ग्रुप और 6 पीरियड यहाँ पे पोजीशन है। यहाँ पे ये सभी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन सभी एलिमेंट्स एक ही जगह पे रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इन सभी एलिमेंट्स को जो है वो नीचे दर्शाया गया है। लैंथेनम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है 57 है, और लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स सेरियम से लेके LU ल्यूटेटियम, दिस 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज लैंथेनाइट्स। और एक्टिनियम इसकी पोजीशन है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7। ऑल दीज एलिमेंट्स आर केप्ट इन द पोजीशन दिस ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, लेकिन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे दर्शाना नहीं दर्शा सकते, इसलिए इन्हें यहाँ नीचे रखा है। एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है थोरियम से लेके TH, थोरियम टू LR लॉरेंसियम, तो 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एक्टिनाइट्स। अब देखिए लैंथेनाइट सीरीज में जो लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स है सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, तो ये 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और लैंथेनम की प्रॉपर्टी ये सिमिलर है, इसीलिए इन सभी को यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 में रखा गया है। और एक्टिनाइट सीरीज जो है एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स है थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, तो ये सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इसीलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। आगे समझ में, दिस टू सीरीज व्हाई दे आर केप्ट इन द बॉटम, ये बॉटम में क्यों रखा गया और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है। एंड ड्यू टू द पीरियड्स एंड ग्रुप्स, पीरियड्स और ग्रुप्स की वजह से यहाँ पे बॉक्सेस तैयार होते हैं। नियर देयर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कितने बॉक्सेस है 118, हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट्स होता है, हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट्स होता है। सिर्फ ये जो दो पोजिशन है यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6, ये लैंथेनाइट सीरीज की जगह है और यहाँ पे सभी एलिमेंट्स नहीं बैठ सकते, इसीलिए इनको नीचे दर्शाया गया है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। देयरफॉर 118 बॉक्सेस अलोंग विद द लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज विच इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में देखिए ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इट डिवाइड्स इनटू 4 ब्लॉक्स, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो है इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अब देखिए कौन कौन से 4 ब्लॉक्स है यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये वही पीरियोडिक टेबल लेंगे हम। अब देखिए ग्रुप नंबर 1st और 2nd, द एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 1st एंड 2nd दे आर कॉल्ड एज S ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स जो है वो सभी को S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है और ये सभी मेटल्स है, यानी कि S ब्लॉक एलिमेंट्स जो है सभी मेटल्स है। अब ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक ये सभी एलिमेंट्स जो है दे आर कॉल्ड एज P ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 to 18 इसको P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और दे आर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो P ब्लॉक में सभी एलिमेंट्स आते हैं जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड भी होती है। अब देखिए तीसरा ब्लॉक जो है D ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दैट इज ग्रुप नंबर 3 to 12, ये सभी एलिमेंट जो है इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये सभी मेटल्स है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो नीचे दो सीरीज है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये सभी एलिमेंट्स जो है इसे कहते हैं यफ ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट कहते हैं यफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल दीज आर द मेटल्स, ये सभी क्या है मेटल्स है। आगे समझ में, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो है यस ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के बाद इनकी आखिरी ऑर्बिट जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है। ग्रुप नंबर 13 टू 18 जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इस इन्हें भी नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी लास्ट ऑर्बिट जो है ये इनकम्प्लीट फील्ड है। और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके लास्ट
टू ऑर्बिट्स जो है, टू शेल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से। और आखिरी बॉटम में जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है, ये जो एलिमेंट्स है इनको यफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, और इसके साथ साथ इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी लास्ट थ्री ऑर्बिट्स जो है वो इनकम्प्लीटली फील्ड होती है। और देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स जो है उनको अलग अलग कलर में भी दर्शाया गया है, और यहाँ पे एक जिगजैग लाइन तैयार होती हुई दिख रही है। आप देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये जिगजैग लाइन है, इसे जिगजैग लाइन कहा जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। एंड दिस जिगजैग लाइन्स का एक इम्पॉर्टेंस है पीरियोडिक टेबल में। बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जिगजैग लाइन इन पीरियोडिक टेबल। अब देखिए जिगजैग लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। द ऑल द एलिमेंट्स बॉर्डरिंग एलिमेंट्स ऑफ द जिगजैग लाइन, यानी कि जिगजैग लाइन पर जो भी एलिमेंट्स है ये सभी मेटेलॉइड्स है। देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑल दीज आर द मेटेलॉइड्स। अब इसके लेफ्ट साइड में, यानी कि ये साइड में जितने भी एलिमेंट्स है ऑल आर मेटल्स, और ये जिगजैग लाइन के राइट साइड में ऊपर वाले, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड अबव द जिगजैग लाइन दे आर मेटल्स। ये सभी क्या है नॉन मेटल्स है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दीज आर द नॉन मेटल्स। देयरफॉर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जिगजैग लाइन? द जिगजैग लाइन डिवाइड्स द एलिमेंट्स क्लियरली इंटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइड्स। तो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइड्स क्या है, सेपरेट किए। किस कौन सेपरेट करता है इन्हें? जिगजैग लाइन। दिस जिगजैग लाइन सेपरेट्स ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज मेटल्स ऑन राइट साइड, जिगजैग लाइन के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में सभी मेटल्स है ये, और जिगजैग लाइन के राइट साइड में सभी नॉन मेटल्स है, और जिगजैग लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है ये सभी क्या है, मेटेलॉइड्स है बच्चों। एंड एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। ये जो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक है, ये सभी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आ गया समझ में बच्चों? आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।